हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू भूमिका की किचन। तो आज मैं आपके लिए कभी ख़राब ना होने वाले नींबू के अचार की रेसिपी लेकर आई हूँ और इसको मैंने बहुत ही सिंपल वे में बनाया है। तो अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो यहाँ पर अचार बनाने के लिए मैंने लगभग 25 नींबू ले लिए थे और उसको अच्छे से वॉश करके धूप में सुखा लिया है। अचार बनाने के लिए हमें पके हुए पीले नींबूओं की ज़रूरत होती है, तो अभी इसको हम कट कर लेते हैं। तो अगर आपके नींबू का साइज़ बड़ा है तो उसे आप 4 पीसेस में कट कर सकते हैं और अगर छोटा है तो उसे आप 2 पीसेस में, और जितना हो सके उसकी अभी हमें सीड निकाल देनी है। ये देखिए, मैंने अपने सारे नींबूओं को अच्छे से कट कर लिया है, तो अभी इन्हें हम एक बड़े कांच के बाउल में ट्रांसफ़र कर देंगे। और इसमें मैंने लगभग 3 टेबलस्पून भर के नमक डाला है और 1 टेबलस्पून हल्दी पाउडर। नींबू के अचार में नमक ज़्यादा डलता है, इस चीज़ का आप ख्याल रखिएगा। और अभी इसको हम बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे जिससे कि इस नींबूओं के ऊपर हल्दी और नमक की अच्छे से कोटिंग हो जाए। और अब इसको हम ढककर आधे घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे, तब तक हम इसका मसाला रेडी कर लेते हैं। तो मैंने गैस पर एक कढ़ाई चढ़ा दी है और उसमें मैंने 1 टेबलस्पून अजवाइन और 1/2 टेबलस्पून मगरैन डालकर अच्छे से हम इसको ड्राई रोस्ट कर लेंगे। इसको हमें ग्राइंड नहीं करना, इसलिए इसे हम अलग से रोस्ट करेंगे, बाकी मसालों के साथ इसे हम रोस्ट नहीं करेंगे। अब इसको हम एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेते हैं और इसको भी हम ठंडा कर लेंगे। इसके बाद उसी कढ़ाई में मैंने लगभग 1 टेबलस्पून सौंफ और 1 टेबलस्पून जीरा और साथ में ही 1/2 टेबलस्पून मेथी डालकर अच्छे से इसको भी हम रोस्ट कर लेंगे। ये देखिए, हमारे ये मसाले भी अच्छे से रोस्ट हो गए हैं, तो इसको भी अभी हमने एक प्लेट में निकाल लिया है और इसको भी हम ठंडा करके दरदरा सा पीस लेंगे। अभी हम उसी में ये साबुत अजवाइन और मगरैन डाल देंगे नींबू के ऊपर, और इसके बाद जो हमने ये मसाला ग्राइंड किया था उसको भी इसमें हम ऐड कर देंगे। अभी इसमें मैंने लाल मिर्च का पाउडर डाल दिया है और काला नमक, इन सबको डालकर हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद मैंने इसमें 5 नींबूओं का रस डाल दिया है जिससे कि हमारा अचार काफ़ी रसीला बने। तो मैंने 25 नींबू लिए थे अचार के लिए, तो 20 नींबू को मैंने कट किया था और 5 नींबू का इसमें रस डाल दिया है। अभी हम एक कोई कांच का साफ बर्तन जिसे कि हम पहले से ही धूप में सुखा कर साफ करके रख लेंगे, उसमें हमें इस अचार को ट्रांसफ़र कर देना है और इसके बाद आप इसे 1-2 दिन धूप में दिखा दीजिए। तो हमारा ये अचार बहुत ही अच्छे से रेडी हो गया। तो अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ये हेल्दी सा अचार ज़रूर बनाइएगा। थैंक यू।